इस बार 80% बनाम 20% का होगा चुनाव, कोई गलत फहमी में ना रहे, 80% हमारे साथ हैं। ये बयान है योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, उनका कहना है 20% विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं गर्दन काट कर रख दूं तब भी यकीन नहीं करेंगे। मुझे 20% विरोधियों की चिंता नहीं है। हिंदू विरोधियों को मोदी और योगी पसंद नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है और आपको बता दें ये बहुत बड़ा बयान है। सीधे तौर पर उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है मेजॉरिटी को और साथ ही निशाना साधा है 20% लोगों पर जिनका विरोध करते हैं वो कार है और आंकड़ों अंक गणतीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी गलत फहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80-20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं किया और अगर कोई इसे हमारी कमजोरी मानता है तो ये कमजोरी हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद हम सबका संस्कार है। अपने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे से हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। दूसरा, कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही, मुझमें विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था ना आगे उसको करना है और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते।